नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप लेके आया हूँ, बल्ला बल्ला कार ऐप। वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कम पैसों में एक अच्छी राइड कर सकते हैं और कैसे इस ऐप के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं और कैसे हम अपनी राइड को फ्री भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली इस ऐप को हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर में सर्च में टाइप करेंगे बला बला ऐप, कुछ इस टाइप का लोगो खुलेगा आपके सामने। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको में रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपको ईमेल आईडी या आप अपने फेसबुक से भी इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद हम इसमें चेक देखेंगे कि कैसे आप कम पैसों में ट्रैवलिंग कर सकते हैं और इस ऐप के थ्रू कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। ओपन कर लेंगे। फर्स्ट लोगो ये आपके सामने कुछ इस तरह से खुलेगा। यूज़ योर करंट लोकेशन अलाउ कर देंगे। बला ऐप टू असेस द डिवाइस लोकेशन अलाउ कर देंगे वाइल यूजिंग दिस ऐप। साइन अप करेंगे। साइन अप के लिए आपको फेसबुक ईमेल आईडी या आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो उसमें आप लॉगिन कर लेंगे। तो हम ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेंगे। अगर बला ऐप के बारे में आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो इसके लिए हम नीचे वाला नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे। देन आपका नाम पूछेगा, आप अपना नाम टाइप कर लेंगे विद लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मिस्टर मिसेस मिस्टर। उसके बाद पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आप अल्फाबेटिकली विद फिगर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर के साथ रखें तो वह बेटर रहेगा, क्योंकि उससे आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। हम पासवर्ड इंटर करने के बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, तो हम मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करते ही आपसे 4 डिजिट का कोड भेजेगा आपको। 4 डिजिट का कोड हम टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद ये आपके सामने बला बला ऐप ओपन हो गया। इसमें आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो हम इसमें सर्च में जाएंगे। सर्च में हम डालेंगे लोकेशन, आप कहाँ से ट्रैवलिंग करना चाहते हो। मान लीजिए आप दिल्ली से अमृतसर जाना चाहते हैं, तो ये दिल्ली से अमृतसर हम अमृतसर टाइप कर लेंगे। दिल्ली से अमृतसर आज की राइड देखेंगे तो हम आपके सामने ये खुल जाएगा। दिल्ली से अमृतसर 1130 रुपये। मारुति स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी रहेगी। कहाँ से आपको पिक करेगा उसमें सब लिखा है। राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन से आपको पिक कर लेगा और अमृतसर बस स्टैंड पे आपको ड्रॉप करेगा। इस प्रकार से आप देख लो कि आप जो एसी बसेस से कम पैसों में आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं बाई कार। उसके बाद हम इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि हम इस ऐप के थ्रू कुछ अर्निंग कर सकें। अर्निंग करने के लिए हम पहले प्रोफाइल में चले जाएंगे। तो उसमें हम ऐड कार करेंगे। अगर हमारे पास 4 व्हीलर है तो हम इसमें 4 व्हीलर के लिए ऐड कर देंगे। आपके 4 व्हीलर का नंबर मांगेगा।
ऐसे में अपनी गाड़ी का नंबर लगा, कौन सी गाड़ी है आपके पास? टाटा नेक्सॉन एसयूवी है, हैचबैक है, सेडन है, कन्वर्टिबल है, तो मैं एसयूवी कर लेंगे। कौन सी कलर की है वो कर लिया, कौन सा मॉडल है आपकी कार का? 2021 कर दिया, तो ये आपके नीचे आपका कार ऐड हो गया। तो अब हमने कोई, अब मान लो कि मुझे जाना है यहाँ से न्यू दिल्ली से अमृतसर जाना है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ, मेरी गाड़ी में 5 परसन की सीट है, फो एक तो मैं हो गया और मेरे साथ 4 और को मैं लेके जाना चाहता हूँ, और उनका रेट मैं खुद फिक्स करूँगा, जितना मुझे चाहिए होगा मैं उस हिसाब से रखूँगा। अगर आप 4 बंदों के साथ जाना चाहते हैं तो 4 पर्सन के साथ भी जा सकते हैं, अगर आप 5 के साथ जाना चाहते हैं तो 5 के साथ भी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये इसमें लिखोगे फर्स्टली कि पब्लिश में चले गए, उसके बाद पब्लिश में जाने के बाद फर्स्ट में लिखोगे कि आप कहाँ से पिक करना चाहते हो, आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखना चाहते हो। स्टार्टिंग पॉइंट पे मान लीजिए मैंने रख लिया, हौज खास रख लिया, हौज खास मेट्रो स्टेशन मैंने अपना फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, और ड्रॉपआउट पॉइंट मैंने अमृतसर रख दिया। अमृतसर रेलवे स्टेशन बस स्टैंड, यहाँ अमृतसर बस स्टैंड कर दिया हमने। अब पूछेगा कि आपका रूट कैसे रहेगा, NH 703 ब्रेवो से रहेगा या दिल्ली सिरसा हाईवे से रहेगा? तो जैसे भी, जिस जो भी रूट आप सुजेस्ट करोगे वो आपके लिए, जिस रूट से आप जाना चाहते हो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप फर्स्टली मैंने NH 703 ब्रेवो सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट करेंगे तो ये शो करेगा कि आप कितने पैसेंजर उसमें ऐड करना चाहते हो। तो आप अपने पहले तो आप कहाँ से उसको पिक, अपना स्टार्टिंग पॉइंट से कितने पैसेंजर लेना चाहते हो, तो हमने हौज खास ही कर दी कि हौज खास से हम सभी पैसेंजर वहीं से लेंगे हम, ठीक। तो हमने ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। वो अब ये सुजेस्ट कर रहे हैं कि आप कहाँ पे आप स्टॉप करना चाहते हो अपनी राइड को, कहीं पे बीच में, ताकि रेस्ट के लिए, ताकि आपके साथ जो पैसेंजर हैं वो भी आप रेस्ट कर सकें। तो MCD पार्क न्यू दिल्ली ये सुजेस्ट कर रहा, तो हमने इसको ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि आप कब से कब आप जाना चाहते हो। मान लो कि मैंने 27 तारीख को अपनी राइड शुरू करनी है, मैं 27 तारीख को अपने अगर अमृतसर जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ 4 लड़के 4 पैसेंजर और बिठा सकूँ मैं, तो उनके लिए मैं नोटिफिकेशन दे रहा हूँ। तो टाइमिंग दे सकता हूँ मैं, टाइमिंग कितना देना है? जैसे शाम को देना है मुझे, शाम को कितने बजे दूंगा मैं? शाम को 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे का मैंने टाइम दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि आप मिडिल सीट वेकेंट कर रखना चाहते हो या मिडिल सीट को भी कवर करके चलना चाहते हो। तो मेरे पास नेक्सॉन है, SUV है, उसमें काफ़ी कंफर्ट है, तो हम मिडिल सीट को भी ले लेंगे। अब पूछ रहा है कि उसमें कितने पैसेंजर आप लेकर जाने जाते हो। एक तो आप खुद हो गए, अभी 4 की और सीट पड़ी है, तो हम 4 को कर लेंगे, ओके। अब पूछ रहा है कि कैन पैसेंजर बुक इंस्टेंटली, उसी टाइम बुक, या फिर आप को आपको रिक्वेस्ट भेजेगा और आप उसको रिप्लाई करोगे। हमने कर लिया येस श्योर, तो मैं इंस्टेंटली। अब फेयर कितना रखना चाहते हो, इतना मिनिमम फेयर है, इससे ऊपर आपको कितना रखना चाहते हो? अगर आप इसी फेयर से एग्री करते हो तो आप ठीक, नहीं तो आपको आई डोंट एग्री, और देन आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। 900 मैंने कर दिया, 1000 रुपये, 1100 कर दिया मैंने, ये कर दिया। अब पूछ रहा कि रिटर्न कब होंगे, अगर आप रिटर्न में भी चाहते हो कि मेरे साथ कुछ पैसेंजर ऐड हो जाए और मेरी राइड जो है वो फ्री में जो हो जाए, तो हम इसको रिटर्न का भी कर सकते हैं।
रिटर्न में भी पूछ रहा कि आपका रूट कौन सा रहेगा, तो हम रूट NH52 कर देंगे। और रिटर्न कब तक रहेगा आपको, तो आप रिटर्न कर सकते हो, आप जितनी तारीख को रिटर्न होना हो। तो मैंने 3 तारीख को रिटर्न कर दिया। कितने बजे रिटर्न हो गए, मैं रात को 2200 बजे रिटर्न कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि आपको ऐड में आप अपनी राइड के लिए कुछ ऐड कर सकते हो, जो आप अपने पैसेंजर को बताना चाहते हो, जो अपने साथ आपके साथ ट्रैवलिंग करेंगे उनको कुछ ऐसा बताना चाहते हो जिससे आपको लगे कि ये नहीं होना चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे। तो हम इसमें लिख देंगे नो स्मोकिंग। फर्स्टली मैं स्मोकिंग को लाइक नहीं करता, इसलिए नो स्मोकिंग कर दूंगा। देन नो ड्रंकिंग, नो अल्कोहल ड्रंकिंग कर देंगे। और आपको चाहिए कि बेटर चाहिए, तो जो जो आपके माइंड में है कि आपको अपनी गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप वो उसमें ऐड कर सकते हो। मैंने स्मोकिंग कर दिया, अल्कोहल कर लिया। अब आप नो ईटिंग भी करना चाहते हो तो नो ईटिंग कर लो। अब आप चाहते हो कि मेरी गाड़ी में कोई चलते टाइम कोई कचरा ना करे, कोई गंदगी ना करे, तो आप नो ईटिंग कर सकते हो। तो इसको हम पब्लिश कर दिया, ओके हो गया। अब मेरी राइड जो है वो ऑनलाइन होगी। अब आप चेक भी कर सकते हो कि मेरी राइड ऑनलाइन है या नहीं। ये देखो आपकी राइड दिखाई दे रही है न्यू दिल्ली से अमृतसर 27 तारीख की, और सब सैटरडे 3 सितंबर को आपकी अमृतसर से न्यू दिल्ली आपकी रिटर्न की दिखाई दे रहा है। तो कोई भी जिस टाइम पर आपको बुक करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। आप पर्सनली उसको रिप्लाई कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो। आप अगर आपको सही लगता है कि ये पैसेंजर मेरे लिए ठीक है, जो मेरी राइड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरे और मेरे साथ वालों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप उस राइड को कैंसिल भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोटिफिकेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।